नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मिर्जापुर जिले के कटरा कोतवाली परिसर के बाहर सड़क किनारे सोमवार रात एक लाइसेंसी पिस्टल रास्ते से गुजर रहे होमगार्ड कमांडेंट बीके सिंह की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने असला उठा लिया। थोड़ी देर बाद अपना असला खोजते हुए युवक वहां आया। जांच पड़ताल के बाद उसे पिस्टल सौंपा गया, साथ ही लापरवाही बरतने पर फटकार भी लगाई। पुलिस के अनुसार कछवा थाना क्षेत्र के पाहो गांव निवासी सुशील त्रिपाठी के पास लाइसेंसी पिस्टल है। वह सोमवार को बाजार सामान लेने आए थे। रात 9 बजे वह सामान लेकर घर जा रहे थे। वह कटरा कोतवाली के सामने सड़क से गुजर रहे थे। इस दौरान कमर में बंधी रस्सी टूटने से उनकी लाइसेंसी पिस्टल कटरा कोतवाली परिसर के बाहर ट्रांसफार्मर के पास गिर गई। वह आगे चले गए। इस दौरान होमगार्ड कमांडेंट बीके सिंह होमगार्ड की ड्यूटी चेक करने के लिए निकले थे। उनकी नजर अचानक सड़क पर गिरी पिस्टल पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने गाड़ी रुकवाकर पिस्टल को कब्जे में ले लिया। आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद सुशील अपने लाइसेंसी पिस्टल को खोजते हुए आए। कटरा कोतवाली पुलिस ने छानबीन की। लापरवाही पूर्वक पिस्टल रखने पर उनको फटकार लगाई। जांच पड़ताल के बाद उनको उनकी पिस्टल वापस दे दी गई। सड़क किनारे गिरी पिस्टल पर नजर होमगार्ड कमांडेंट की पड़ी, वरना अगर किसी अपराधी के हाथ पड़ती तो इसका दुरुपयोग हो सकता था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से अनूप कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।